तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रॉवेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वैंक, आर्ट मार्क्यूम, मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वैंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए बेंजामिन वॉल्फिसेज और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मॉट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरन टेलर एज जॉनसन एज सिरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में अ बिग गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवन लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसोसिएशन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच। रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट। निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र क्रॉवेन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रॉवेन फिल्म एक पर विचार कर रहा था। यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं, निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रिस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वैक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रॉवेन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्रह्मांड के अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था।
वेक को क्रावेन के दर्शकों के सामने पेश करने और यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन, जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रावेन की व्हाइट व्हेल माना जाता है, के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रॉवेन दो दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रावेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वैंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वैंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए बेंजामिन वॉल्फिशेज और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मार्ट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर एज जॉनसन, एज सिरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में, अभी गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन और प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो, ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवनर लव इंटरेस्ट, फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिरडाइको, चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्गाइज, क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेशियन, एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेस्विच, रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड, रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट, निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स, सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडर
मैं फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था, यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं। निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रावेन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्रह्मांड 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 के अलग अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रावेन के दर्शकों के सामने पेश करने और यहाँ पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रावेन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रावेन दो दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रावेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वैंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वैंक और बेस्ड ऑन है मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमच, डेविड हाउस होल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए बेंजामिन वॉल्फिश और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मॉट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार एस में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर एज जॉनसन एज सिरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में, अ बिग गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवन लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। कैमरन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्क्यूज। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसोसिएशन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच, रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इंटू अ हुमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट, निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी।
इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था। सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था, यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं। निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यहाँ पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रेवन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेवन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वेंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए हैं बेंजामिन वॉल्फिशेज और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मार्ट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार एस्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरन टेलर एज जॉनसन एज सिरागी क्रेविनोफ क्रेवन,
के रूप में। अ बिग गेम हंटर टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिस्टेस एज एंड क्रेवनर लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्नाइको। चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्गाइज। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेसियन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच। रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट। निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की शत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पश में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडर मैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था। यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं, निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्रह्मांड के अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रेवन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेवन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम,
मेंट हॉलवे, और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वैंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स, और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर, और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस, और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड, और इसे म्यूजिक दिए हैं बेंजामिन वॉल्फिसेज, और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मॉट टॉलमैच प्रोडक्शन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग, और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024, और इसका यार ऐसे में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर एज जॉनसन, एज सिरागी क्रेविनॉफ क्रेवन के रूप में, अ बिग गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन और प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो, ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवनस लव इंटरेस्ट, फ्री फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिरडाइको, चैमलन क्रेविन इस्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्क, क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेशियन, एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच, रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इंटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड, रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट, निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की, और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था, यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं। निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रिस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रावेन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अलग अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रावेन के दर्शकों के सामने पेश करने और यहाँ पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रावेन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी।
एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं। यह वेनोम की गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रॉवेन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रॉवेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वैंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वैंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए हैं बेंजामिन वॉल्फिशेज और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मार्ट टॉलमच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार एस्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर जॉनसन एसरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में अभी गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टेस एज एंड क्रेवनर लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्गज। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेसियन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच। रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट। निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र क्रॉवेन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की साथ फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष से में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रॉवेन फिल्म एक पर विचार कर रहा था। यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रॉवेन के फिल्म अधिकार हैं,
निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रावेन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अलग अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रावेन के दर्शकों के सामने पेश करने और यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रावेन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रावेन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रावेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वेंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्डर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए बेंजामिन वॉल्फिश और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मॉट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार एस में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरन टेलर एज जॉनसन एज सिरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में, अ बिग गेम हंटर। टेलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवन लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्गज। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेसियन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच, रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट। निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की साथ फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2
2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था। यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं, निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यहाँ पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रेवन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेवन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वेंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए हैं बेंजामिन वॉल्फिशेज और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मार्ट टॉलमच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार ऐसे में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर जॉनसन एसरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में, अ बिग गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन प्रोटेक्टर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो, ओडो प्रिजिस्टेस एज एंड क्रेवन एज लव इंटरेस्ट, फ्री
फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्नाइको, कैमरन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्गाइज, क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसोसिएशन, एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेस्विच, रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड, रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट, निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की शत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था, यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं। निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अलग अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रेवन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेवन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वेंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्डर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल,
रोजेल कराओ, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस, और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड, और इसे म्यूजिक दिए हैं बेंजामिन वॉल्फिश, और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मार्ट टोलमैच प्रोडक्शन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग, और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024, और इसका यार ऐसे में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर एज जॉनसन, एज सिरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में, अ बिग गेम हंटर। टेलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोज एज क्लिप्सो, ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवन लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्क्यूज। क्रिस्टोफर एबोट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसोसिएशन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच। रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इंटू अ वुमेन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट, निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की, और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था, यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं। निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रिस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अलग अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यहाँ पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और
टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रॉवेन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रॉवेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वैंक, आर्ट मार्क्यूम, मैंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वैंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए हैं बेंजामिन वॉल्फिशेज और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मार्ट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार एस्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर जॉनसन एसरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में अभी गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन और प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टेस एज एंड क्रेवनर लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज मास्टर ऑफ डिस्गज। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेशियन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच। रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट। निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र क्रॉवेन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की साथ फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष से में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रॉवेन फिल्म एक पर विचार कर रहा था। यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं, निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रिस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वैंक
कोशोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रावेन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्रह्मांड 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 के अलग अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रावेन के दर्शकों के सामने पेश करने और यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रावेन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रावेन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रावेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वेंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्डर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए बेंजामिन वॉल्फिश और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मॉट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार एस्टिमेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरन टेलर एज जॉनसन एज सिरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में, अ बिग गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवन लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्गज। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेसियन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच, रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट, निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र क्रावेन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष से में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और
मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था, यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं। निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रावेन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रावेन के दर्शकों के सामने पेश करने और यहाँ पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रावेन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था जिसमें क्रावेन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रावेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वेंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए हैं बेंजामिन वॉल्फिशेज और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मार्ट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार एस्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर जॉनसन एसरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में, अ बिग गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन प्रोटेक्टर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवन लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्गज। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेसियन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेस्विच। रिहानो रशियन मर्सनरी।
हु कैन टर्न इंटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट। निर्देशक सैम रायमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की सात फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था, यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं। निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अलग अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रेवन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेवन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वेंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्डर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल क्राउ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए बेंजामिन वॉल्फिश और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मॉट
टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग। और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024। और इसका यार एस में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर एज जॉनसन एज सिरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में अ बिग गेम हंटर। टेलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोज एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवन लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्गज। क्रिस्टोफर एबोट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसोसिएशन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच। रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इंटू अ वुमेन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट। निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था, यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं। निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रिस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अलग अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यहाँ पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था जिसमें क्रेवन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था।
तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रॉवेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वैंक, आर्ट मार्क्यूम, मैंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वैंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए हैं बेंजामिन वॉल्फिशेज और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मार्ट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर जॉनसन एसरागी क्रेविनोफ क्रेवन के रूप में अभी गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवनर लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको। चैमलन क्रेविन इस्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज मास्टर ऑफ डिस्गज। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेशियन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेसविच। रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट, निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कॉर्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की सात फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष से में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था। यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं, निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रॉवेन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्रह्मांड
ब्राह्मण ब्राह्मण के अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेग को क्रावेन के दर्शकों के सामने पेश करने और यहाँ पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन, जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रावेन की व्हाइट व्हेल माना जाता है, के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रावेन दो दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रावेन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वैंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वैंक और बेस्ड ऑन है मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमच, डेविड हाउस होल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए बेंजामिन वॉल्फिश और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मॉट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार एस में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर एज जॉनसन, एज सिरागी क्रेविनॉफ क्रेवन के रूप में, अ बिग गेम हंटर। टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन और प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो, अ ओडो प्रिजिस्टेस एज एंड क्रेवनस लव इंटरेस्ट। फ्री फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिरडाइको, चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस्क। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर, अ मर्सनरी एंड एसेशियन। एलेजेंड्रो नियोला एज अलेक्सिया सिटेस्विच, रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इंटू अ हुमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट, निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र क्रावेन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं
के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स, सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था। यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं, निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन, जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है, के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रेवन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेवन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडोर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वेंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेट, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्टर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए हैं बेंजामिन वॉल्फिशेज और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मार्ट टॉलमच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार ऐसे में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। एरोन टेलर जॉनसन एसरागी क्रेवन ऑफ क्रेवन के रूप में, अ बिग गेम हंटर। टेलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन प्रोटेक्टर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो, ओडो प्रिजिस्टेस एज एंड क्रेवन लव इंटरेस्ट। फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको, चैमलन क्रेवन इस्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज मास्टर ऑफ डिस्गज। क्रिस्टोफर एबॉट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसेशियन। एलेजेंड्रो नियोला एज एलेक्सिया सिटेस्विच, रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड। रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ, क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट,
निर्देशक सैम रायमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सह निर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था, यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं। निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रेवन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेवन द हंटर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए जे सी चैंडलर और स्क्रीन प्ले दिए रिचर्ड वेंक, आर्ट मार्क्यूम मेंट हॉलवे और इसे स्टोरी दिए रिचर्ड वेंक और बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स और इसे प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमच, डेविड हाउसहोल्डर और इसे स्टारिंग दिए एरन टाइलर जॉनसन, एरिना डिबोस, फ्रेड हेजिंगर, क्रिस्टोफर एबॉट, एलेजेंड्रो निवोल, रोजेल कराओ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए बेन डेविस और इसे एडिट किए हैं क्रेग वुड और इसे म्यूजिक दिए बेंजामिन वॉल्फिश और इसे प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरद प्रोडक्शन, मॉट टॉलमैच प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर रिलीजिंग और इसका रिलीज डेट रहा है अगस्त 13, 2024 और इसका यार एस में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 से 130 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं।
एरोन टेलर जॉनसन सिरागी क्रेविनॉफ क्रेवन के रूप में अभी गेम हंटर टाइलर जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिज टेक ऑन द कैरेक्टर एज अ कंजर्वेशन प्रोटेक्टर ऑफ द न्यूट्रल नेचुरल वर्ल्ड एंड एनिमल लवर। एरिन डिबोस एज क्लिप्सो ओडो प्रिजिस्टस एज एंड क्रेवन लव इंटरेस्ट फ्री फ्रेड हेजिंगर एज डिमिट्री स्मिर्डाइको चैमलन क्रेविन स्टरेंस हाफ ब्रदर हु इज द मास्टर ऑफ डिस क्रिस्टोफर एबोट एज अ फॉरेनर अ मर्सनरी एंड एसोसिएशन एलेजेंड्रो नियोला एज अलेक्सिया सिटेसविच रिहानो रशियन मर्सनरी हु कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिहानो हाइब्रिड रुजेला क्राउ एज निकोलिया क्रेविनोफ क्रेवेंस इस्ट्रेंज्ड फादर। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट निर्देशक सैम राइमी ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कार्विन द हंटर को अपनी चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि प्रोजेक्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 की छत फ्रेंचाइजी की रिबूट करने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, सोनी पिक्चर्स ने दिसंबर 2013 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू से प्रेरित एक साझा ब्रह्मांड स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो उन मार्वल संपत्तियों पर आधारित है जिनके अधिकार उनके पास हैं। उन फिल्म में क्रेवन को छेड़ा गया था। इसके निर्देशक मार्क वेब ने चरित्र को फिल्म प्रदर्शित होने देखने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2015 में सोनी और मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के सहनिर्माण के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की और स्पाइडरमैन चरित्र को मार्वल में एमसीयू के साथ एकीकृत किया। सोनी ने मई 2017 में अपने स्वयं के साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स सोनी ने इसे अपनी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए सहायक बनाने का इरादा किया। इसमें स्पाइडर वेनोम 2018 से शुरू होने वाले मनुष्य संबंधी गुणों स्टूडियो ब्राह्मण के लिए एक क्रेवन फिल्म एक पर विचार कर रहा था। यह जानने से पहले कि सोनी के पास क्रेवन के फिल्म अधिकार हैं, निर्देशक रयान कुगलर ने क्रिस्टोफर प्रीस्ट के ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर और क्रेवन के बीच लड़ाई के कारण इस चरित्र को अपनी एमसीयू फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में शामिल करने की उम्मीद की थी। रिचर्ड वेक को सोनी की द इक्वलाइजर 2 2018 की सफल रिलीज के एक महीने बाद अगस्त 2018 में क्रेवन द हंटर के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने लिखा था। इस परियोजनाओं को सोनी के साझा ब्राह्मण के अलग अगले अध्याय के रूप में पेश किया गया था। वेक को क्रेवन के दर्शकों के सामने पेश करने और यहाँ पता लगाने का काम सौंपा गया था कि वह फिल्म में किस चरित्र का शिकार कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन जिसे कॉमिक पुस्तकों में क्रेवन की व्हाइट व्हेल माना जाता है के प्रकट होने की संभावना नहीं थी। एमसीयू डील फिल्म वयस्क दर्शकों को लक्षित करेगी या नहीं, यह वेनोम के गहरे दृष्टिकोण के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अक्टूबर में वेंक ने कहा कि वह स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले फिल्म की कहानी और टोन को क्रैक कर रहे थे। उनका इरादा चरित्र की कॉमिक बुक विधा का पालन करने का था, जिसमें क्रेवन दो को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाना भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।